अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज बना लेते हैं बढ़िया सा चिकन पिज़्ज़ा। तो इसके लिए ले लिया है मैंने सॉस बनाने के लिए आधा किलो टमाटर, जिन्हें रफली चॉप कर लिया। अब इनसे मैं मिक्सर में ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ ले लिया एक चम्मच तेल, इसके अंदर डालूँगी 2-8 से 10 लहसुन की कलियाँ बारीक कट करके। बस उसे सौते करना और पूरा टमाटर का पेस्ट डाल देना है। ढक्कन ढक ढक के इसे हमें 10 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। जब ये बढ़िया पक जाएगा ना, तो इसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच ओरेगैनो और साथ ही डालूँगी आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और इसे और अच्छे से सौते करेंगे। जब ये बढ़िया सौते हो जाए तो इसके अंदर डालूँगी मैं आधा चम्मच शक्कर और 2 चम्मच टमाटो केचप डालूँगी। इससे इसका कलर टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। जब ये और अच्छे से सौते हो जाए, इसमें 2-3 चम्मच पानी डाल देंगे और तैयार है हमारी पिज़्ज़ा सॉस। तो यहाँ ले लिया मैंने नया पैन, इसके अंदर डाला 1 चम्मच तेल और 2-3 कलियाँ लहसुन की बारीक कट करके डाल देंगे। इसके अंदर मैं डालूँगी 250 ग्राम चिकन का कीमा और उसे सौते करेंगे और ढक्कन ढक के कीमा पकने तक इसे पका लेंगे। जब हमारा कीमा पक जाएगा ना, तो इसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच ओरेगैनो और साथ ही इसमें डालूंगी नमक स्वाद अनुसार। तो यहाँ मैं डाल दूंगी 1 चम्मच चिली सॉस डाल दूंगी और साथ में जो आपको पिज़्ज़ा में सब्ज़ी डालनी। तो यहाँ मैंने गाजर, शिमला मिर्ची और पत्ता गोभी को बारीक कट करके डाल लिया। अब बस इसे डाल के मिक्स करेंगे और गैस करेंगे बंद। यहाँ पिज़्ज़ा बेस ले लिया, हमारी बनाई हुई सॉस लगा दी और ये पूरा जो हमने बनाया ना चिकन का, ये लगा दिया और इसके ऊपर हम ग्रेट करेंगे 1 क्यूब चीज़ का। और ना बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बना था ये। मैंने कहाँ खाया था, मैकडॉनल्ड्स में खाया था सॉसेजिस पिज़्ज़ा। ये सेम वैसा ही टेस्ट कर रहा था, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसके ऊपर प्याज की स्लाइस रखेंगे और इसे बेक कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक तवा ले लिया है और उसके ऊपर सिल्वर की प्लेट पे ये पिज़्ज़ा बनाया है और उसे रख के इसे प्लेट से ढक दूंगी ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ मेल्ट हो जाएगा। बाकी सब्ज़ियाँ तो हमने पहले ही पका ली थी, इसलिए ना जिनके घर में ओवन नहीं है ना, वो ऐसे ही पिज़्ज़ा बनाई है। मैं तो हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो उन्हें कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।